22 जून 2019 के बाप दादा के साकार महावाक्य, मीठे मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई, रूहानी भाई भाई, तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए, तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से, जिस्म से नहीं। प्यार तो आत्मा करती है, परंतु रूह से करे या जिस्म से करे ये उसकी मर्जी। जिस्म से किसी को प्यार करना नहीं। यदि जिस्म प्यार करता होता तो डेड बॉडी सबको प्यार कर जाता। जिस्म कभी किसी को प्यार नहीं करता, जिस्म डेड बॉडी को भी प्यार नहीं करता, परंतु आत्मा आत्मा से प्यार करता, चाहे वो जिस्म में है चाहे जिस्म से है। क्योंकि आत्मा चेतन है, तो इस सच्चाई को समझते हुए हमें स्वयं को आत्मा समझ आत्माओं से प्यार करना। प्रश्न, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी बताई? बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी बताई? जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं, वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स हो, अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स हो, वे कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहां पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती हैं। वहां से नंबर वार अपने आप अपने अपने समय पर पार बजाने आते। ये वंडरफुल नॉलेज इस समय कल्प में एक बार ये तुम्हें मिलता। दूसरा कोई ये नॉलेज नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्या वंडरफुल नॉलेज, क्योंकि परम धाम के बारे में और कोई बता नहीं सकता सिवाय परम पिता परम आत्मा के। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं, ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते कि अपने को आत्मा समझो। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं, इस ज्ञान की प्रलब तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, वो भी प्रलब लेने वाले हो, वो भी नंबर वार पुरुषार्थ। ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है। बाबा के बच्चे भूल जाते हैं, बाकियों की तो बातें कि नहीं ये दुनिया बदलने वाली है। ये दुनिया बदलने वाली है फिर किसके लिए बैंक? सतयुग में कोई बैंक नहीं होगा, किसके लिए?
किसके काम आएंगी वो है कुटिया। उन बच्चों के भी बाबा कहते काम आने वाली सत्युग में तो जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ किसके काम आएगी। वंडरफुल बात है, कहाँ जाता बेचारा। तब भी इतने नशे के साथ कहा था कि अभी खत्म हुई के हुई। 80 साल पहले भी जब कहा था तब भी यदि किसी के पास एफडीआ है किस काम आए। कहते बीमारी में कौन करेगा मदद, बीमारी में कौन मदद करेगा, ये पैसे तो काम आएगा बीमारी में, चाहे कैसे भी वो एक ही बात है, चाहे खड्डा खोद के रखो तो चाहे वहां रखो, पैसे को स्टॉक करके रखना किसके लिए, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से सोचना है। क्योंकि मैंने देखा है कि अरबों रुपए लेके खड़े होते हैं, डॉक्टर कहते हैं सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं बचा सकते, इतना पैसा हो ये सारे जानते हैं, नींद नहीं दे सकता सारे जानते हैं, नींद उड़ा जरूर सकता है ऐसा नींद दे नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे ये नहीं कहा जा रहा कि सब दे दो या खर्च करो, मतलब कहने का है कि आप अपने आप को हर हाल में एडजस्ट करना सीखो। कमाने के लिए तो मना नहीं किया ना, कमाओ खाओ बस तो उतना कमाओ जितने से तुम्हारा गुजारा चल सकता है। अब फालतू कमा के रखने से मतलब क्या मिलेगा, बात सिर्फ फालतू से है। बात ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दो, आप पैसे मत कमाओ, मतलब आई वेल के लिए रखना चाहो थोड़ा बहुत रख लो, तो इतना नहीं क्या करना है, बेटियां भर भर के रख जाओ क्या करो, थोड़ा तो रखो भाई, ये तो है नहीं कि भी रात के लिए नहीं रखना, क्योंकि हमारे संन्यास में तो ये भी है कि रात के लिए किसके लिए रखना, रात तक मैं चलूंगा बस, इतना भी कई बार तो कहते बस रोटी बनी है यही खा ली ना खत्म, बात आगे खानी होगी तो खा लेंगे, बस तो खा लेंगे भी पुरुषार्थ तो करना है ना, ये थोड़ा है कि अपने आप आ जाएगी रोटी। तो कहने का भाव ये सिर्फ हमारी सोच है कि पैसा होगा तो हमारी तो कोई वो करेगा, कुछ नहीं करेगा। आपके भाग्य में है जिन आत्माओं की आपने सेवा की हुई है वो आके आपकी सेवा करेगी, चाहे वो आपके इस समय कितने गहरे मित्र हों, परिवार के हों, चाहे अजनबी। परंतु आपने जिस आत्मा की कभी कोई सेवा की नहीं है वो आपकी आके करे नहीं करे, चाहे उसके बाद हम रोएं तो चाहे खुश हो। अब बेटा से लगाती है ना, हाँ बेटा चला गया विदेश में, हम यहाँ मरे हैं, कौन आएगा कौन देखेगा कौन करेगा, कहेगा बापू इधर आ जाओ, वहाँ जावे नहीं, तो कोई भी हो चाहे बच्चा हो चाहे परिवार के चाहे सामने रहता हो, सामने रहने वाला भी यदि नहीं करना चाहता उसके पार्ट में नहीं है, किसी भी बात से उसको गलतफहमी बैठ जाएगी और वो कहेगा मेरे कहने देखिए मत, मेरी तरफ मत दे, तो मतलब कहने का ये है कि बहुत अच्छी तरह से इन बातों को बैठकर विचार करना है कि मेरे पास केवल और केवल यही सेकंड है और मुझे इस सेकंड को बेस्ट से बेस्ट बनाना,
भविष्य को खोना नहीं है, छोड़ना नहीं है, परंतु उसके पीछे वर्तमान को भी बर्बाद नहीं। कमाना है, खाना है, रखना है, आगे के लिए भी रखना है, परंतु इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि आगे के लिए हम इतना इकट्ठा कर दें कि हमारे 21 पीढ़ियां बैठ कर, वो टेंशन वाली बात। बाकी तो कमा लो तो भी यही, खा लो तो भी यही, छोड़ के जाना है सब, और संतुष्ट कहीं भी हो जाओ। आप एसी तक संतुष्ट होते हो तो ठीक है, आप यदि जगह जगह पर 20 मकान बना के एसी में रहना चाहते हो, आज मैं यहाँ सोऊंगा, कल मैं वहां सोऊंगा, कल मैं वहां सोऊंगा, संतुष्ट होना वो आपकी अपनी मर्जी। जो भी मतलब हमें सोचना है, संतुष्ट होना। बच्चों को रूहानी बाप के साथ और बच्चों को बच्चों के साथ, तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है, दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, तुम सब भाई भाई, तो आपस में जरूर प्यार रखना। आत्माओं का आत्माओं, दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, इसी को कहा जाता है, क्योंकि बच्चे आत्मा आत्मा से प्यार करते हैं, इसी को कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हम बच्चों को गुल गुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाए, हाथ पकड़ कर नहीं, कैसे जाते हैं घर? जैसे रानी मक्खी भागती है, बाकी सारी मक्खियां पीछे पीछे, ऐसे ही बाबा यहाँ से परमधाम जाएंगे, सारी आत्माएं उसके पीछे, हाथ नहीं लगाता, पकड़ता हूँ, किसी को आगे भी नहीं करता कि चल तू आप पीछे क्यों रह गया, आगे निकल। हर एक आत्मा अपने सीट से, अपने रास्ते से एक्यूरेट है, अपनी स्पीड से जाता है, ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं किस स्पीड से जाऊं, परंतु मेहनत कर। टेंशन लेने से मैं हाई स्पीड नहीं हो सकता, मेहनत करने से मैं अपने स्पीड को हाई बना सकता। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड। टिड्डियां देखिए, तो जो हमारे से छोटे हैं उन्होंने शायद नहीं देखे, हमारी एज वाले ही देख पाए। उसका जहां वो ओरिजिन था वहां जाकर उनको खत्म, उस जगह को ही खत्म होता है, उस जगह ओरिजिन जो उनका पता लगा कहां से वो निकलती थी, उस जगह को जाकर के वहां उनका जड़ ही खत्म होता है। वरना टिड्डी दल जब आता था तो जिस रास्ते से गुजर गया हरा पत्ता नहीं रहता, उस रास्ते पर कोई पेड़ पर पौधे पर हरा पत्ता नहीं रहता था, और सड़कों पर इतनी मरी पड़ी होती थी जैसे बात क्या पोले गिरते ना ढेर सारे, बड़े पीले रंग की होती थी, और बहुत उनको खत्म कर दिया गया, वरना तो बस उसका नाम सुनते ही किसान मर जाता था, बर्बाद हार्ट अटैक हो जाता था,
क्योंकि एक पत्ता ही नहीं रहेगा, फसल खत्म, सारी की सारी फसल खत्म कर। उनका भी कोई गाइड होता है, गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है, सूर्य की रोशनी को भी अंधेरा हो जाता है, जैसे घने बादल छा गए हो ना, ऐसा एकदम। इतना बड़ा झुंड होता है, तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है। तुम आत्माओं का कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते, यहां मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते, पर आदमशुमारी निकालते हैं। आदमशुमारी जनगणना करना, आदमशुमारी माने जनगणना, जैसे दुनिया को गिनती करते हैं, अंदाजा लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठी सुख या दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो कभी दुख नहीं भोगती है, निर्लेप है। बहुत बच्चे इस बात में मूझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय करें। कैसे करें, आत्मा तो परमात्मा है, हम तो परमात्मा नहीं हो सकते। लेकिन बाप को कहां याद करें, ये तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है, बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहां भी चलते फिरते बाप को याद करो। बाप रहते परम धाम में है, तुम्हारी आत्मा भी वहां रहती है। फिर ये पाठ बजाने आती है, ये भी ज्ञान अभी मिल रहा है। जब तुम देवता हो वहां तुमको याद नहीं कर नहीं रहता कि फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं, ऊपर से आकर ये शरीर धारण कर पाठ बजाती है, ये चिंतन नहीं कर चलना चलता। आगे ये पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहां से यहाँ अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। वो अपने एड्रेस तो बताते हैं, तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम लिखो तो चिट्ठी कहां पहुंचेगी। तो क्या लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली है, तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो कि आत्मा है, इनका फलाना नाम है, आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देव आदे अभिमान में आ जाता। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे एक बाप को याद करो। इस समय बाप समझाते हैं, जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ, पुराने आर्गन्स लिए हैं, जिसमें ये मुख है, आंखें भी हैं, ज्ञान अमृत मुख से मिलता है, गौ मुख कहते हैं ना, अर्थात माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको मैं अडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा बड़ी माँ द्वारा तुम बच्चों को मैं अडॉप्ट करता। वो ये है ना, ये ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कराते हुए तो ये तुम्हारी माँ हो गई। मैं तुम्हें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अडॉप्ट कराया तो ये तुम्हारी क्या हो गई, माँ हो गई। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख।
तो ये सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहे, वो तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। वे यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, वे तो ठिककर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाएं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा। इस समय तुमको ज्ञान है, ये है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। और वहां है, वहां तो रावण राज्य होता नहीं, कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वहां आत्मा विमानी रहते हैं, आत्मा का ज्ञान है। अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसलिए अब ये शरीर छोड़कर वापिस हमें घर जाना। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, आत्मा का ज्ञान है। अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ, इसलिए अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, वहां तो है ही अमर लोग, खुशी से भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई, ये छोड़ नया लेता, इसको सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। ये जो गर्भ महल तब बाप कहते हैं, ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, ये प्राय लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक, चित्र में सच कितना है, आटे में नमक। तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं, जैसे सांप अपनी खाल छोड़ता है और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लिया। जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है, सर्प तो जिंदा ही रहता है। ऐसे भी नहीं कि सदैव अमर रहता है, दो तीन खाल बदली कर फिर मर जाता है। वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी लेते हो, जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहां तो है ही योग बल की बात, योग बल से तुम जन्मते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है, अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ, साक्षात्कार भी होता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आप ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। इस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है, पाप तो कोई होते नहीं है जो भोगना पड़े, गर्भ महल में आराम से रहते हैं और दुनिया को दुख की बातें होती है। गर्भ महल में आराम से रहते हैं,
दुख की कोई बात ही नहीं होती, ना कोई ऐसी गंदी चीज खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज बदलनी है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर बीज से झाड़, चक्र चलता ही रहता है। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी ही जगह पर जाकर वहां खड़ी हो जाएगी, जगह नहीं बदलती। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबर वार खड़े होंगे, फिर नंबर वार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं। मूल वचन के सब धर्मों को अपना अपना सेक्शन है, सब धर्मों का वहां पर क्या है, सेक्शन है। देवी देवता धर्म है पहला धर्म, फिर नंबर वार आते हैं, नंबर वार ही जाकर रहेंगे। तुम अभी नंबर वार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। ये बाप की पढ़ाई पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, नक्शा तुम्हारे आत्माओं का कितना होगा। जैसे तुम्हारी आत्मा बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखा, फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है, सब आत्माएं एक साथ नहीं दिखा सकती। सिवाय परम धाम के कहीं भी मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने खेलने पढ़ने नौकरी करने की सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी सी जगह होगी। और इन चित्रों में भी दिखाया है, बना बनाया नाटक है, शरीर छोड़कर आत्माओं का बाप वहां रहते हैं। तुम बच्चे बच्चों की बुद्धि में है कि हम यहाँ रहते हैं। बाकी तो सभी हैं जिस्मानी पढ़ाई, उन पढ़ाइयों से तो कुछ नहीं कर सकते। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, आई माना आत्मा, मैंने माई माना मेरा मन शरीर, मैं आत्मा हूं और ये मेरा। मनुष्य ये नहीं जानते, उन्हों को तो सदैव देहिक संबंध याद रहता है। सतयुग में भी देहिक संबंध होगा, परंतु वहां तो आत्म अभिमानी रहते हो। ये पता पड़ता है कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें मूझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है जरूर, बेहद का बाप ने वर्षा दिया होगा। मनुष्य कोई भी बात ऐसे नहीं, मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते रहे।
मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में। एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे होते हैं सरस्वत ब्राह्मण और पुष्क एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे होते हैं पारस सारस्वत ब्राह्मण। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है और तुम ब्राह्मण जानते हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो ब्रह्मा की औलाद। वे कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं, पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारा ये विराट रूप है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं, ये यथार्थ रीति समझ कर ये निश्चय पक्का होना चाहिए। ये तो यथार्थ बात है, सभी आत्माओं का बाप एक ही है। अभी तुमने बाप के द्वारा जाना है, तुम सब आस्तिक हो। कल आग बाबा ने आस्तिक के लिए क्या बताया था, कौन होते हैं आस्तिक? जो काली आत्मा से गोरी आत्मा कैसे बनती है ये नहीं जानता वो नास्तिक, और जो जानता है आस्तिक, तो नहीं जानता वो नास्तिक। आत्मा काले से गोरी कैसे? पढ़ाई बिल्कुल सिंपल, बड़ी भी है सिंपल भी। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, जंगल को बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों नाथ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुरमत रूहानी बात बच्चों की रूहानी बाप दादा को। मुख्य बातें हैं सदा याद सहज बनी रहे, इसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं, परम धाम के निवासी हैं। आत्मा या पाठ पर जानी आई है, बाप परम धाम में ही रहते हैं। परम धाम निवासी आत्माएं या पाठ बजाने आई है, बाप भी परम धाम में रहते हैं, वो ब्रह्मा तन में आए। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। रूहानी आत्मा रूहानी प्यार ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान सम्मान देना, सम्मान स्वतः ही हर एक को मिल जाता है। हर एक को ये ईश्वरीय स्नेह सबको सहयोगी बनाए,
आगे बढ़ने के सूत्र में बांध दे। स्लोगन है, संकल्प, बोल, समय, गुण, शक्तियों के खजाने जमा करो। संकल्प, बोल, सत्य, गुण, शक्तियों को के खजाने जमा करो तो स्वतः इनका सहयोग, स्वतः इनका सहयोग मिलता रहे, अपने आप इनका सहयोग मिलता रहे।